प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे अजीबो गरीब टोटके के बारे में जो हर प्रकार के कार्य में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, मैं आपको एक वास्तविक घटना से रूबरू करवा देता हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होते हुए भी लोग उसे भगत जी के नाम से जानते हैं, भगत जी कहकर पुकारते हैं। अब इसका कारण बताएंगे हम आपको। दोस्तों, वह सरकारी कर्मचारी वाला व्यक्ति एक समय एक टेलर मास्टर की शॉप पर, दुकान पर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। जब उसको आधा घंटे से ज़्यादा इंतजार करते हुए हो गया, तो उसने टेलर मास्टर से कहा, मास्टर जी, आप आधे घंटे से खाली बैठे हुए हैं, कोई कपड़ा सील क्यों नहीं रहे हैं? तब टेलर मास्टर ने कहा, भगत जी, बात ऐसी है कि कोई सिलवाने के लिए कस्टमर ही नहीं आता है। मैं इस समस्या से काफ़ी दिनों से जूझ रहा हूँ। कभी कभी कोई बिरला ही आता है तो उसका कपड़ा मैं सील देता हूँ, मेरे घर का गुजारा भी नहीं होता है। तब भगत जी ने कहा, फिर तू परेशान क्यों होता है? इस मशीन को थोड़ा इधर से इधर रख ले। एक बार तो टेलर मास्टर ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, भगत जी, ऐसा करने से क्या होता है? तो भगत जी ने कहा कि तेरा रखने से क्या जाता है? तुम अपनी इस मशीन को उठाओ और इस जगह से दूसरी तरफ रख दो, बस इतना ही तो करना है। और उसके कहने से उस टेलर मास्टर ने उस अपनी मशीन को वहां से बदल दिया। दोस्तों, देखते ही देखते उस टेलर मास्टर के पास इतना काम आने लगा कि उसको फुर्सत भी नहीं मिलती। दोस्तों, क्या होता है ये सब, अब हम बताएंगे आपको विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों, आपने कभी सट्टेबाजों को, जुआ खेलने वालों को, ताश की पत्ती खेलने वालों को कभी ध्यान से देखा हो कि वो इस प्रकार की क्रियाओं को बहुत अधिक आजमाते हैं? आप उनके पास बैठकर कभी देखना कि वो छोटी छोटी वस्तुओं पर बड़ा ध्यान रखते हैं। यदि उनकी ताश की पत्ती भी नहीं चल रही है, तब वो एक वस्तु को, यदि उनके पास कोई माचिस की डब्बी ही पड़ी है, तो उसको उठाकर दूसरे स्थान पर रख देते हैं और उनके पत्ते चलने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हर व्यक्ति जब इस प्रकार के छोटे छोटे टोटके करता है तो उनसे उनका कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, यह सब वास्तु दोष और वास्तु से जो अपने ऊपर क्रियाएं हो रही हैं उनका प्रभाव हुआ करता है। आप इसे जान नहीं पाते कि एक वस्तु से किस प्रकार की किरणें कहाँ से निकलती हैं और आप पर क्या प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, आप इसे करके देखना, ये बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। यदि आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप उस स्थान को बदल दीजिए, अपने बेड को सरका दीजिए, या अपने बल्ब को ही बदल दीजिए, या अपनी चेयर को बदल दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार करके आप देख लीजिए, आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। इसी प्रकार यदि आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं और आपका मन नहीं लगता, तब आप अपनी टेबल को थोड़ा सरका दीजिए, आप अपनी चेयर को थोड़ा सरका दीजिए, टेबल पर रखे हुए कंप्यूटर को थोड़ा हिला दीजिए,
फिर उसका प्रभाव देखिए दोस्तों कि आपका कार्य करने में मन लगने लगेगा। यदि आप कारोबारी हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तब क्या करेंगे आप? दोस्तों, आप अपनी तिजोरी को, अपने गल्ले के स्थान को थोड़ा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दीजिए। आप अपनी बही को, जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं, उसका जो स्थान बना रखा है, उस स्थान को चेंज कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके देखते देखते आपके कारोबार में वृद्धि होने लग जाती है। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो, आप जो भी कार्य करते हैं, यदि आपका वो कार्य नहीं बन रहा है, तब आप उसमें थोड़ा फेर बदल कर दीजिए और देखिए कि आपका कार्य तुरंत बनना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, यह चमत्कारी टोटका है और आप इसका पूरा लाभ उठाना ना भूलें। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।